नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी महिला के बारे में जिनके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। जी हाँ, भारतीय मुस्लिम समुदाय की प्रथम महिला शिक्षिका थी फातिमा शेख। फातिमा शेख मुस्लिम और दलित समाज की प्रथम शिक्षिका थी। उन्होंने दलित और मुस्लिम समाज की महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और इसके लिए 1850 में उन्होंने अहम योगदान दिया। सावित्री बाई फुले और ज्योतिराव फुले की वह सहयोगी थी। मियां उस्मान शेख की बहन थी, जिनके घर में सावित्री बाई फुले ने निवास किया था जब उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया था। आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका फातिमा शेख ने सावित्री बाई द्वारा खोले गए स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया था। 1884 में फातिमा शेख और मियां उस्मान के घर में एक स्कूल खोला गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुणे में ऊंची जाति के लोगों ने भी फातिमा शेख का साथ दिया। मियां उस्मान सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के आंदोलन से प्रेरित थे। मियां उस्मान ने अपनी बहन फातिमा शेख को शिक्षा आंदोलन के लिए प्रोत्साहित किया। फातिमा शेख के संघर्षों की वजह से ही मुस्लिम समाज की महिलाएं आज स्कूल जा सकती हैं, लोगों से भी आगे बढ़ सकती है, जो कि पहले कभी घर में ही रहा करती थी। उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं दिया करते थे घर वाले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।